अरे वो आर्यन सुत्ता उठ लिया कि ना? प्रधान जी वो तो अभी नहा रहे हैं। अच्छा, अरे भाई कलवा, गांव की क्या पोजीशन चल रही है? सुख शांति है कि ना? कुछ भी ठीक ना जी। सरपंच साहब, कुछ सरपंच साहब। अरे रामू। हाँ जी। क्या बात है, कैसे परेशान है, क्या हुआ? सरपंच साहब, मैं तो बर्बाद हो गया सरपंच साहब। बर्बाद हो गया, क्या मतलब? अरे जाए गिलास पानी लेके आ। रामू एक काम कर, तू चारपाई पे बैठ जा। ना 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 सरपंच साहब, मैं ही ठीक हूँ। अरे खड़ा हो जा, आराम से बैठ जा, ले पानी पी। अब बता मुझे बात क्या है। सरपंच साहब, वो प्रधान के लड़के ने ना मेरी सारी जमीन अपने नाम करवा ली जबरदस्ती। बताओ मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, अब मेरे पे एक घूट भी नहीं बचा। इस प्रधान के तो दिन प्रतिदिन आतंक बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे नहीं पता था ये इतनी नीच और घटिया भी हरकत करेगा। और रामू, तुझसे उसने जमीन मांगी और तुमने अपनी जमीन उसको चुपचाप दे दी। अरे मेरे को क्यों नहीं बताया तूने? सरपंच साहब, मैं बहुत मजबूर था सरपंच साहब। उन्होंने मेरी बहन को। बस रामू बस, मैं सब कुछ समझ गया, लेकिन अब उन हरामजादे कुत्तों को मैं देखूंगा। मैं ठीक है सरपंच साहब। ठीक है रामू, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। ठीक है प्रधान जी, राम राम। शेरा कलवा चलो मेरे साथ। क्या बात हो गई जी, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो, कुछ बात हो गई क्या? क्या बताऊं संतोष, प्रधान और उसका लड़का पहले गांव वालों की जमीन हड़प रहे थे, लेकिन अब उनकी इज्जत पे भी हाथ डाल रहे हैं, इज्जत पे भी। देखो जी, आपको इस चीज का पता है, वो चार गांवों का प्रधान है और फिर वो दोनों बाप बेटे बड़े बदमाश हैं। मुझे अब उन दोनों की बदमाशी को खत्म करना है। सुनो जी, आप इन लड़ाई झगड़े से दूर ही रहो। दूर रहूं पर कैसे संतोष, मैंने भी लगातार पूरे 25 साल तक चार गांव की प्रधानी की है, और मैंने यही सोचकर प्रधानी का इलेक्शन नहीं लड़ा कि गांव में किसी और को मौका मिलना चाहिए सेवा करने का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गांव के ऐसे प्रधान बन जाएंगे जो गांव वालों की नाकों में दम कर देंगे। अरे इसमें तुम क्या कर सको हो, गांव वाला के यदि परेशानी है तो पुलिस थाने में जाएंगे, तुम क्यों जा रहे हो? संतोष तुझे तो पता है ना, मैंने 25 साल तक प्रधानी की, लेकिन मेरे चारों गांव में से किसी का भी मुकदमा पुलिस थाने नहीं गया। लेकिन संतोष मेरे जीते जी, अब कोई पुलिस थाने में जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने जेल में नहीं जाने दिया जब तुम्हारी प्रधानी थी, अब उसकी प्रधानी है, अब जो वो करेगा वो करेगा। अरे आप क्या सोच रहे हो, वो आपकी बात मानेगा? अरे वो नहीं मानेगा, गांव का प्रधान है। संतोष वो क्या, उसका बाप भी मानेगा, मैं मनवाऊंगा, लेकिन मैं गांव वालों को परेशान भी तो नहीं दे सकता। हरगिज उसका बाप भी मानेगा। अरे प्रधान भी तो गांव वाला ने चुना है उसको। किसको? उसको प्रधान बनाने में मेरा हक है, तभी गांव वालों ने उसका साथ दिया था, तभी वो प्रधान बना है। तुम भी आगे से किसी के सर पे हाथ नहीं रखोगे, तुम्हें पता चल गया ना कोई किसी का ना है। बस बहुत हो गया, अब जो मुझे करना है वो करना है। कलवा शेरा चलो। सुनो जी, हे भगवान, कहीं लड़ाई झगड़ा ना कर ले। हाँ भाई, जिसकी जमीन कब जाने के लिए तुझे भेजा था, क्या हुआ उसकी जमीन का? पिताजी, तुम क्या समझते हो कि तुम ही कमीने हो? मैं तुमसे भी बड़ा कमीना हूँ। तुमने तो 10 लोगों के नाम बताए थे जमीन कब जाने के लिए, मैंने 15 लोगों के। क्या जी? लेकिन पिताजी। लेकिन क्या? कमी एक ही हो गई। वो क्या? वो राम सिंह। राम सिंह जी? पिताजी क्या हुआ उसे? पिताजी
उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी लड़की। अरे क्या हुआ उसकी लड़की को? अरे यही बातें घुमाता रहेगा या सीधा सीधा बोलेगा भी? पिताजी उस दिन उसकी जमीन पर कब्जा करने गए थे, उसके साथ साथ उसकी बेटी का भी। क्या? जी पिताजी। अबे उल्लू के पट्टे, तुझे कितनी बार समझाया, कभी कभी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया कर। जा तू जा, मैं सब देख लूंगा। अब जा तू, चला जा, यहीं बैठा रहेगा। अरे रघुवीर, क्या सुन रहा मैं ये? अरे सरपंच साहब, क्या बात हो गई, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें यहाँ आने की नौबत आ गई? नौबत? ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे नहीं पता। नौबत तो तूने खड़ी कर दी, ये गांव वालों के साथ क्या अत्याचार कर रहा है तू? क्या करूं सरपंच साहब, अब जो मुझे करना वो तो मुझे करना ही है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता कुछ भी करने से। रघुवीर अपनी जुबान को लगाम दे, भूल गया तू? तेरे सर पे मैंने हाथ रखा था, गिड़गिड़ा रहा था तू मेरे ऊपर। प्रधान जी मुझे एक मौका दे दो, मैंने सोचा कि गांव का अच्छा काम करेगा, लेकिन तू, अरे इतनी नीचता की हरकतें कर रहा है, गांव वालों की जमीन हड़प रहा है, उन बहन बेटियों के इज्जत पे हाथ डाल रहा है। सरपंच साहब, तुमने तो सिर्फ मेरे पीठ पे हाथ रखा था, ये जो मैं प्रधानी का इलेक्शन जीतता हूं ना, इसमें सारा पैसा मेरा लग रहा है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो पैसा वसूल कैसे करना है। मुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे पैसा वसूल करने से। तेरे को अच्छी तरह पता है कि कोई भी इलेक्शन सिर्फ पैसे से नहीं जीता जा सकता, गांव वालों की सपोर्ट भी चाहिए। गांव वालों ने सिर्फ मेरे कहने पर तुझे सपोर्ट किया था, इसीलिए तू सरपंच है। लेकिन ये सरपंच है ना, मुझे अच्छी तरह मसूली आती है। यह तुम्हारी भूल है सरपंच, खाली पीठ पे हाथ रखने से इलेक्शन नहीं जीतता कोई, जेबों के नोट लगते हैं नोट। जब बारिश आती है ना, तो बारिश में तेरे जैसे मेंढक टर टर करते हैं, लेकिन बारिश खत्म होने के बाद वो छिपने की जगह ढूंढते हैं, तू भी उनमें से एक हरामी है। यह मेंढक अब मगरमच्छ बन चुका सरपंच, और मगरमच्छ के जबड़े से शिकार खींचने की हिम्मत किसी की नहीं है, ना तेरी और ना इस पूरे गांव वालों की। अबे चुप, तू शायद भूल गया, जब समुंदर में तूफान आता है ना, तो तेरे जैसे ही मगरमच्छ किनारों पे अपनी जिंदगी बचाने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन उस वक्त उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। ठीक उसी तरह तेरी भी ये हालत होगी। तू क्या सोचता है, ये कुत्ते पाल के तू अपने आप को बादशाह समझता है? कुत्ते, गांव वाले नहीं बचा पाएंगे तुझे। उसकी छोड़ सरपंच, वो तो वक्त बताएगा। तूने 25 साल प्रधानी की है ना, लगा लियो अपने 25 साल के तजुर्बे को। अगर तू रघुवीर सिंह को रोक पाए तो रोक के दिखा दियो, देखे हिम्मत नहीं है जो मेरे को रोक दे। अरे कपड़ों में से मत निकल। बस पूजा, वरना यही की यही, अभी कोई तारीख कोई मुकदमा भी नहीं, फैसले मैंने खुद किए हैं अपनी जिंदगी के। सरपंच स्टॉप, इससे पहले कि मैं अपने बंदों को बोलूं और वो तुझे धक्के दे के बाहर निकाले, निकल जा मेरे घर से। चिल्ला मत, मैं आया था अपनी मर्जी से और जाऊंगा अपनी मर्जी से, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले, अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन दोबारा आऊंगा ना तो तूफान बन के आऊंगा और खत्म करूंगा तेरे अस्तित्व को। सरपंच मुझे तो लगता है जिस दिन से तेरी प्रधानी गई है ना, तेरा दिमाग का संतुलन खराब हो गया है। जा, आइयो तूफान बन के।
अरे ये रघुवीर अच्छे अच्छे तूफानों को रोकना जानता है क्या? रघुवीर आज तेरा वक्त है, कल मेरा आएगा, फिर देखूंगा मैं तुझे। चलो वक्त, अरे वक्त तो तेरा चला गया सरपंच, तुझे क्या लगता अब तेरा वक्त आएगा? जब तक रघुवीर सिंह जिंदा तेरा वक्त दोबारा कभी नहीं आएगा। ज्योति। हाँ जी पिताजी। बिटिया पानी लेके आना। लाई पिताजी। और लाडो तू ठीक है? आधे बैठ। अच्छा ये बता, तेरी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? जी पिताजी। और वो ट्यूशन पे जाना शुरू कर दिया तूने? जी। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम आना चाहिए। जी पिताजी बिल्कुल आएगा। ठीक है। अब बिटिया तुझे पता है दिव्या का तो पढ़ाई में मन नहीं है, मैंने उसको बोला, बोली पापा मैं नहीं पढ़ना चाहती, तो कम से कम तू तो पढ़ लिख के बड़ी अफसर कर, ताकि पूरे गांव वाले आस पड़ोस वाले ये कहें कि सरपंच की बेटी ने नाम रोशन कर दिया सरपंच का। पिताजी आप फिक्र मत करो, मैं आपका नाम रोशन करूंगी और आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाऊंगी, मेरे से जितना मेहनत हो सकता है मैं उतना करूंगी, आप इस बात को बेफिक्र रहो पिताजी। पापा आप टेंशन मत लो, मैं जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे आपको झुकना पड़े, मैं आपका नाम हमेशा रोशन करूंगी। मुझे पता है बिटिया, और अपने आप से ज्यादा तुझ पर यकीन है, पढ़ाई में ध्यान रख, बाकी कोई भी दिक्कत मत मान, जा अपनी मम्मी को बोल ठीक है, और जाके पढ़ लेना, और उसको दिव्या को भी कह देना दिन में थोड़ी बहुत देर पढ़ तो लेगी, नहीं तो कहीं शादी होगी तो ये कहेंगे अनपढ़ बहू आ गई। हाँ जी पिताजी। ठीक है बेटी। राम जी राम। हाँ जी बताओ क्या कह रहे थे? क्या बताऊं संतोष, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, गांव में तनाव का माहौल कम नहीं हो रहा, और ऊपर से रघुवीर इतना जिद्दी है कि वो किसी भी तरीके से मान नहीं रहा। संतोष तुम तो जानती हो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उस गंदे इंसान को समझाने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। पिताजी तुम उस प्रधान के घर गए थे और तुम्हारी आपस में मुंह बहस भी हुई है। पिताजी मैं तो छोड़ने का नहीं, तुम टेंशन ना लियो। तुझे कैसे पता? पता है मुझे पिताजी, मुझे सब पता है क्या क्या हुआ तुम्हारे और उसके बीच में। सुन ये मेरी और उसकी लड़ाई है, हमारे बीच में आने की कोशिश की ना तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, चुपचाप अपना काम करता रहे ठीक है, दोबारा इस बात का जिक्र तक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पिताजी आपके साथ कोई कुछ भी करके चला जाएगा और मैं हाथ बात रख के बैठा रहूंगा? नहीं पिताजी नहीं। चुप, क्या करेगा तू? उस प्रधान को गोली मार देगा और जेल चला जाएगा। अभी तेरा बाप इतना कमजोर नहीं है, हर फैसले खुद ले सकता हूँ और लिए हैं, चुपचाप रह तू। ठीक है पिताजी तुम कह रहे हो तो मैं इस बार शांत हो जाता हूँ, लेकिन आइंदा अगर उस प्रधान या उसके बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी करी ना तो उन दोनों को जिंदा गाड़ दूंगा। देख लिया संतोष, मैं तो ये कहता हूं कि डर भी रहा हूं कि इस लड़ाई में कहीं हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो जाए, तुम बेटे को समझाओ और इस लड़ाई से दूर रखो। देखो जी कोई भी बालक ये ना चाहे कि कोई उसके बाप के भरे बाजार में पगड़ी उछाले, बेटा कैसे बर्दाश्त कर लेगा आप ही बताओ ना। लेकिन संतोष ये भी नहीं है कि इस लड़ाई में मैं अपने बेटे का त्याग करवा दूं, ना अभी ये लड़ाई मेरी है, मैं खुद ही इस लड़ाई से निपटूंगा, तुम बेटे को समझाओ और इस लड़ाई से दूर रखो। समझाऊंगी जी कोशिश करूंगी। खाना लगवा दे मेरा। सुनो रे
चारों गांव वालों के नाक में इतना दम कर दो कि वो मेरे सामने नाक रगड़ने को तैयार हो जाएं। इसके लिए चाहे बंदे दूसरे गांव से बुलवाने पड़े, ठीक है? तू क्यों आई है यहाँ? देखो, इस लड़ाई झगड़े में कुछ ना रखा, इस लड़ाई झगड़े को यहीं खत्म कर दो। अरे तू जाके अपनी रसोई संभाल, ये मर्दों की बातें हैं, तेरी समझ में नहीं आएंगी। देखो, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना तुम्हारा भाई और उसकी बहू इस घर को छोड़ कर चले गए। अरे किसी के जाने आने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे मेरी प्रधानी जिंदाबाद है, कोई जाता है तो जाए, कोई आता है तो आए। और तू ये तो बता, अरे मेरी लाडली बेटी शीतल कहाँ है? वो तो मेरे से यूं कह गई कि मम्मी मैं अगेड़ा जा रही हूँ पास के गांव में। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? भेज दे तूने वहाँ अकेली अखेड़ा। तुझे नहीं पता वहाँ तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो सरपंच बैठा हुआ है। तुम्हारा दुश्मन कहाँ ना है, तुम्हारा दुश्मन तो चारों गाँव में है। मैंने तो मना करी थी, फिर भी चली गई, इसमें मैं क्या कर सकूं? तू क्या कर सके? अरे तू क्या करेगी? अब जो करना वो मैं खुद ही कर लूंगा। जा, मेरे लिए अंदर से एक कप चाय बना के ला। ठीक है, तो जा रही हूँ। चुप बैठे रहेगी, तू भी बताएगी क्यों बुलाया है? तुम्हें नहीं पता मैंने यहाँ तुम्हें किस लिए बुलाया है? अरे मुझे पता होता तो मैं तेरे से क्यों पूछता? आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये हरगिज नहीं हो सकता। आर्यन, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं हो सकता ये? अरे जब तू गांव में रहेगी ना तो तब पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। क्या पता चल जाएगा? और वैसे भी कोई बात गांव में रह के या गांव वालों से पता चली तो क्या चली? इससे तो अच्छा ना आर्यन तुम ही मुझे सब कुछ बता दो। क्या बताऊं मैं? बता क्या बताऊं? ये बताऊं कि तेरे और मेरे परिवार के बीच बहुत गहरी दुश्मनी है। क्या बताऊं? अरे अगर कल को मैं तुझसे प्यार कर भी लेता हूँ तो एक न एक दिन इस प्यार की बलि चढ़नी है, कोई फायदा नहीं है। देखो, तुम ये दुश्मनी के तराजू में मेरे प्यार को मत तोलो। मुझे सिर्फ इतना पता है मैं तुम्हारी हूँ और तुम सिर्फ मेरे हो। अरे तेरे समझ में क्यों ना आती है? तुझे मैं कैसे समझाऊं? तेरे मेरे चक्कर में ना ये चारों गांव बर्बाद हो जाएंगे। अरे तू जब यहाँ रहेगी ना तो तब पता चलेगा तेरे और मेरे परिवार के बीच में कितनी गहरी दुश्मनी है। आर्यन, जब दुश्मनी रिश्तेदारी में बदलती है ना तो बड़े से बड़ी दुश्मनी खत्म हो जाती है। तुम एक बार मेरी बात मान के देखो आर्यन, सब ठीक हो जाएगा। यार जैसा तू चाहती है ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बस तुम एक बार हाँ कर दो फिर सब कुछ हो सकता है। अरे अयू, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अयू आर्यन, दुश्मन का बेटा, जाकर प्रधान जी को बतानी पड़ेगी। अरे कैसे हाँ करूं? तू क्या चाहती है मैं इन दोनों परिवारों को बर्बाद हो जाने दूं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तेरे मेरे प्यार के बारे में मैं एक बारी को सोच भी लूं, लेकिन फिर इन चार गाँव का क्या होगा? बता तू क्या होगा इन गाँव का? सुन, आज के बाद ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करियो, ना मुझे कॉल करियो, मैं जा रहा हूँ। आर्यन मेरी बात तो सुनो। पिताजी नमस्ते। नमस्ते पिताजी, हमें कुछ आदमियों की भी जरूरत पड़ सकती है। तू चिंता मत कर, जितने आदमियों की जरूरत पड़े जब पड़े मुझे बता दियो, उतने आदमी तेरे घर भिजवा दूंगा। ठीक है पिताजी, जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बता दियो। और ये निकेत कहाँ गया? पिताजी वो मैंने अघेड़ा भेजा है दुश्मनों पर नजर रखने के लिए। अघेड़ा भेजा है?
अरे वहां तो तेरी बहन शीतल भी गई हुई है क्या? हाँ फोन मिला उसका बराबर। पिताजी फोन नहीं लग रहा। अरे फिर मिला। प्रधान जी, प्रधान जी, वो क्या हुआ? तू ऐसे हाँफता हुआ आ रहा है? प्रधान जी, प्रधान जी, वो शीतल मैम। शीतल? अरे क्या हुआ शीतल को, कुछ बताएगा भी? प्रधान जी, प्रधान जी, वो शीतल मैम साहब सरपंच के बेटे आर्यन के साथ। अनिकेत बस कर, अगर मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी बोला तो तेरी सांसें खींच लूंगा। बस 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 बस, मुझे निकेत पे तुझसे ज्यादा भरोसा है। निकेत झूठ नहीं बोल सकता, जरूर इस सारे खेल के पीछे मेरे दुश्मन सरपंच का हाथ है। कोई नया खेल खेल रहा है बेटा वो। शीतल, जी पिताजी, कहाँ से आ रही है वो? पिताजी मैं वो, अरे बोलते ही क्यों नहीं? पिताजी वो मैं अघेड़ा गांव गई थी। किससे पूछ के गई थी? तेरी हिम्मत कैसे हो गई अघेड़ा गांव जाने की? तुझे पता नहीं क्या, वहां तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो सरपंच। तू बिना पूछे चली गई वहां? बड़े पर निकल आए हैं तेरे, अगर तुझे वहां कुछ हो जाता तो। अगर तुझे लगता है ना कि तेरे जाने और आने के बारे में मुझे कोई खबर नहीं मिलेगी, तो इस गलतफहमी से दूर रहना। और जिस सरपंच के लड़के के साथ आज तू घूम रही थी ना, वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन का लड़का है। आज के बाद अगर तू इस घर से निकली तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन पिताजी, और तू भी सुन ले, आज के बाद अगर ये लड़की इस घर से निकली तो इसके साथ साथ जो बुराई और अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा वो तू सपने में भी नहीं सोच सकती। ले जाए संतर। और तुम भी कान खोल के सुन लो, आदमी चाहे जितने भी मंगवाने पड़े, हम कल सुबह ही उस सरपंच के घर में थावा बोलेंगे। ठीक है पिताजी। सरपंच, ये जो घिनौने चाल तूने चली है ना, अब समझ आ रहा मुझे इसका अंजाम। तो मैं कल तुझे तेरे घर पर ही बताऊंगा। इंतजार कर, रघुवीर सिंह कल तुझे तुझसे तेरे घर पे मिलने आ रहा है। रघुवीर, तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दहलीज पे पांव रखने की? सरपंच, अभी तो ये पैर सिर्फ तेरी दहलीज पे पड़ा है, अगर तूने अपने लड़के को नहीं समझाया ना तो ये पैर एक दिन तेरे लड़के की छाती पे होगा। रघुवीर, अपनी आवाज को लगाम दे, मेरा घर है ना कि तेरा। और रही बात मेरे बेटे की, लड़ाई तेरी मेरी है, मेरे बेटे को बीच में लेके मत आ।
हाँ सरपंच सही कह रहा है, लड़ाई तो तेरी मेरी थी, मगर इस लड़ाई में तेरा लड़का बीच में घुस चुका है। चुप। मैंने अपने लड़के को साफ साफ कह रखा है, अख बेटा बीच में मत आना, और मेरा बेटा हमारी लड़ाई के बीच में नहीं है। पर वो आ चुका है, पहले तो उसने मेरे लोगों पे हाथ उठाया, उसके बाद तुझे पता उसने क्या हरकत की, उसे तो तू सोच भी नहीं सकता। अच्छा ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या करा उसने? अरे तेरे लड़के ने मेरी लड़की को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा है, हो सके तो उसे रोक दियो सरपंच, वरना ऐसा ना हो कि मैं तेरे घर का चिराग बुझा दूं और यह दुश्मनी पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलती रहे। बस इससे आगे एक भी शब्द बोला ना तो यहां से तेरी लाश जाएगी लाश। क्या क्या पूछ इससे? आर्यन जो ये कुछ बोल रहा है क्या ये सच बोल रहा है? आर्यन जो कुछ रघुवीर कह रहा है अगर ये सच हुआ ना तो इससे पहले तुझे खत्म कर दूंगा मैं। पिताजी ये सब झूठ है। सुन लिया तूने? ये झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश मत कर मेरे बेटे पर, क्योंकि मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। निकल यहां से। आर्यन तू अपने बाप के सामने पलटी मार सकता है, लेकिन सरपंच यह ध्यान रखियो, अगर तेरे लड़के ने इस दहलीज से पहर बाहर निकाल के मेरी लड़की से मिलने की कोशिश की, उस दिन यह बाहर तो निकलेगा लेकिन इसकी लाश इस घर के अंदर घुसेगी। यह रघुवीर सिंह का वादा है तुझसे। अरे बस बस बहुत देर। ए विचार कर, सुन इस तमाशे को बंद कर दे, वरना मैं अपनी शराफत छोड़ दूंगा ना तो अपने पैरों पर नहीं चलने लायक छोड़ूंगा तेरे को। निकल जा यहाँ से। आज तो जा रहा हूँ मैं। अरे जा। लेकिन ध्यान रखियो, जिस दिन यह लड़का मुझे बाहर से क्या, उस दिन तेरा घर में इसकी लाश आएगी। यार ध्यान रखियो सरपंच। अरे जा। दुनिया में आज तक कोई ऐसी आंखें नहीं बनी है जो मेरे बेटी की तरफ देखे, और जब तक इसका बाप जिंदा है ना तो दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरे जैसे कुत्ते बहुत आए। पिताजी। अरे तू तो चुप ही रह, देख लिया मैंने तू कितना बड़ा प्रधानमंत्री है। सरपंच के घर में तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे अगर मैं जवान होता ना